आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरु जी पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जिनका भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स उनके पेपर 13, 14, 15 और 16 को 8 पारियों में आप सभी स्टूडेंट्स का पेपर है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स का एक मेन टॉपिक है, आप सभी स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन भी हो रहा है, जिसका आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा और इसका कितना इंपोर्टेंस है इसकी। तो जैसे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसे क्या प्रक्रिया रहती है, इसे क्या फॉर्मूला रहता है, तो इसे अलग फॉर्मूला होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे दिया हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट्स उसको देख सकते हो पूरे वीडियो को, तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज और होती है, जैसे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जिससे हमारे और अच्छे नंबर आ सकते, कहीं एक दो हमारे मान लो कि टिक लग जाए और वो सही हो जाएगी, मतलब कि एक तुक्का टाइप हम मान सकते हैं कि उससे भी हमारे क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन जहां नॉर्मलाइजेशन होता है वहां पर ये चीज अपोजिट हो जाती है। अगर आप मान लो कि आपने अगर नेगेटिव मार्किंग हुई है, आप नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है और आपने क्वेश्चन टिक कर दिए, सारे टिक कर दिए, और आपके अगर 10 to 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उसका इफेक्ट नेगेटिव मार्किंग पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो इसका आप खास का ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। ऐसा भी नहीं कि आप जो क्वेश्चन आता है उसको छोड़ दें, लेकिन बहुत सोच समझ के पेपर सॉल्व करना है आपको, और इस चीज को भी अपने दिमाग में रखनी है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर अगर हम क्वेश्चन नेगेटिव करते हैं तो नंबर कम होने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो इसका आप खास कर ध्यान रखें। और नॉर्मलाइजेशन होने के कितने चांस है, तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि जैसे कि एसआई में भी आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है और पेपर इतना 3 डेट्स में पेपर था, 3 डेट्स के अंदर, उसके बाद भी जब नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो आपका तो 8 पारियों में पेपर है, 8 पारियों में, तो आपके भी नॉर्मलाइजेशन होने के 99% चांस है। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स पूरा ध्यान रखें और बिल्कुल टेंशन में न रहे, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब पेपर देने जाएं तो सबसे जरूरी होता है खुद पे कॉन्फिडेंस होना, और कॉन्फिडेंस जिराइन सी बात है कि आपको एक टेंशन स्टूडेंट के मन में रहती है कि हमने इतने टाइम से मेहनत करी है और अब हम जाके उसको पेपर देने जा रहे हैं, तो एक ह्यूमन नेचर है कि हमारे मन में टेंशन होती है। उस टेंशन को दूर करने के लिए एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जैसे ही आपका ये पेपर पुलिस कांस्टेबल पेपर खत्म होता है तो कंटिन्यूस वैकेंसी आ रही है, जैसे हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ऑलरेडी निकल चुकी है, ठीक है, इसके बाद जस्ट आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है, तो ये कंटिन्यू वैकेंसी आ रही है और दोबारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की दोबारा वैकेंसी आ रही है। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा फोकस जो भी स्टूडेंट्स पेपर क्लियर नहीं कर पाते, फिजिकल तो आराम से क्लियर कर लेते हैं, जिन्हें फाइनल सेक्शन नहीं हो पाता, उनके लिए आरपीएफ को आप इस बार बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि जैसे फिजिकल हार्ड होता है आप आराम से पेपर क्वालिफाई कर लेंगे और आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो आपके 99% चांस फाइनल सेक्शन के। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि मुझे मेरा बेस्ट करके आना है, रिजल्ट जो भी रहे उसकी फिक्र नहीं करनी है, और उसके बाद में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही अच्छी सुविधा लेके आया हूं। जो भी फिजिकली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे फिजिकल के बैच 20 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और बिल्कुल फिजिकली क्लासेस है। आप सभी स्टूडेंट जिनका ज्यादा फेट है और जिनका वीक है, जिनकी बॉडी के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, उन सभी स्टूडेंट को बढ़िया एक्सरसाइज के साथ में गर्मी के अंदर क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, 5 किलोमीटर रनिंग के अंदर सभी चीजों की आपको गाइडेंस दी जाएगी, और आप प्ले लिस्ट में जाके मेरे जो स्टूडेंट्स के फीडबैक है वो भी देख सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स का 20 तक से बैच स्टार्ट होंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स आ सकते हैं आराम से और फ्री के अंदर फिजिकल कर सकते हैं। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान देने लायक आपको ये है कि आप मात्र 5 डेज आप फ्री में क्लासेस ज्वाइन करिएगा और उसके बाद जो आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो उसके बाद आप कंटिन्यू रहना, नहीं तो आप अपनी इच्छा से जिस भी एकेडमी में जाना चाहे, चाहे फीस दे के या कैसे भी, आप फिजिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो सके और वो भी इस चीज का लाभ ले सके। आप सभी स्टूडेंट्स का फिजिकल गुरुजी ये यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।